एक्सरसाइज 3। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन संस्कृत। इंग्लिश में दिए गए वर्ड्स आपको संस्कृत में लिखने हैं। कनिंग इन संस्कृत वंचकः। पीपल ट्री पीपल वृक्षः। गोट अजा। क्विक शीघ्रम। स्ट्रेंजर अपरिचितः। किसी किसी की बुक में स्ट्रॉन्गर दिया है तो आप स्ट्रेंजर कर लीजिएगा, STRANGER, राइट। स्ट्रेंजर अपरिचितः। रनिंग धावती। बीट प्रहरति। स्केप पलायते। दीज आर द संस्कृत वर्ड्स। एक्सरसाइज 4। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स। लेसन में जो के अकॉर्डिंग जो इवेंट्स के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग करनी है इसमें, राइट। तो ये दिए गए हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट में आएगा पुत्र अहम बहिः गच्छामि। सेकंड इज शगाला शिशु पश्यति। देन चिंता मास्तु अहम मास्तु पार्श्वे नेस्यामि। एंड फोर्थ अजा शिशु शगालेन सह गच्छति। शिशु मुखात घटनां श्रुत्वा अजा क्रुध्यति। एंड लास्ट में पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासः नैव कर्तव्यः। तो दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। एंड एक्सरसाइज 5। इन द लेसन यू स्टडीड द फॉर्म लाइक करणीय गमनीय मीनिंग शुड बी डन दस शुड हैव बीन डन दस। फॉर्म द वर्ड एज शोन इन द इलस्ट्रेशन। तो दर्शन एग्जाम्पल में दिया गया है दर्शनीय दर्शन करने योग्य। तो गमन का क्या होगा गमनीय जाने योग्य। यू हैव टू राइट हियर गमनीय, राइट। एंड हियर पठन पठनीय, राइट। वंदन वंदनीय। पठनीय पढ़ने योग्य, वंदनीय वंदना करने योग्य। पूजन पूजनीय पूजा करने योग्य। लेखन लेखनीय लिखने योग्य। तो आपको यहाँ पर लिखना है गमन का गमनीय, पठन का पठनीय, वंदन वंदनीय, पूजन पूजनीय, लेखन लेखनीय।